हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है रचित का बर्थडे और शाम को तो हम लोग एंजॉय करेंगे उसके बर्थडे में। सो अभी रचित का फोन भी आया था, उसको बुला रहा अपने घर। चलते हैं उसके घर और उसको बिजी कराएंगे और देखते हैं किस लिए बुलाया है। क्या हुआ? अरे वाह, आपको तो बल्ले बल्ले। मैंने भी क्या है ये? जूते लाए हो? कहाँ से? रात को ले आए हो? रचित का फोन आया था, चलोगी? आओ फिर, हम तो जा रहे हैं, चलना हो तो चलो। तैयार हो के नहीं, ऐसे ही चलो, शाम को पार्टी में चलेंगे। अभी तो चलो ऐसे ही मिलाते हैं। तो मैं नहीं बुलाया है हीरो। हम बताए अभी जा नहीं रहे। नहीं जाओगे? नहीं, तुम्हें पास इनकी तो बेइज्जती हो गई। इनको तो बुला रहे हैं, बेइज्जती हो गई। खाना की बेइज्जती हो गई है। चलोगे कि नहीं? चलूंगी। तब ये दो दो लिस्ट दागे। अच्छा, रचित को दादा गिफ्ट दोगी क्या? इनको तो बुलाए नहीं हो आप, ये कैसे आ गए? अरे दो दो गिफ्ट अपना दे दिए हो। मंदिर चले? कहाँ चलना है? कौन से? संकटा देवी। चलो फिर, आज है मेरा बर्थडे तो भैया आए थे, तो भैया ने कहा चलो मंदिर चलते हैं। तो हमने कहा भाई चलो, क्योंकि हम भी अभी तक मंदिर नहीं गए हैं, वहीं जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं अपने लखीमपुर संकटा देवी मंदिर में। प्रसाद ले लिए? हाँ ले लिए। चलो आप यहाँ फूल ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखो है कलश है, दीपक जल रहा है, ये हमेशा जलता रहता है 24 आवर्स। जय माता दी, 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 जय माता दी। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा घंटा इतना लगा हुआ, पूरा जो घंटे की झालर लगी हुई है और अंदर तक लगी हुई झालर की तरह सेम पूरा घंटे की झालर है। हम लोग जब मंदिर के अंदर हैं, बाप को हम अभी दर्शन कराते हैं माँ संकटा देवी का। जय माँ संकटा देवी। गाइस, शाम का टाइम हो चुका है और हम रचित के बर्थडे में हम लोग आ गए हैं। बाकी भी आई है, बाकी और सब लोग आ रहे हैं। अंशुल बंटीकरण भी आ रहा है। हम देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, रचित भी कहाँ पे है। इतनी बेइज्जती मत करो उसकी, आप बहुत हो चुकी है। हम आ गए रचित के बर्थडे में और यहाँ इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ है। ये बर्थडे बॉय आपके सामने। हाय भाई, आप कान्हा जी के सबसे पहले दर्शन करें, बाकी काम बाद में होगा। और ये कैप इतनी सारी है यार दोस्त, आपकी कितनी कैप लगाओगे? ये मेरे लिए। हाँ, बाकी ये मुनमुन के लिए, ये पाखी के लिए, अनगा के लिए, मतलब चार। आपकी कौन सी स्पेशल? अच्छा, ये पाखी तो कह रहे हम ये लेंगे, अब बताओ कौन सी कैप लोगी? ये वाली। चलो ठीक, बच गए फिर आप। बाकी रचित कितने सारे मेहमान आए हैं इधर, तो सबसे पहले ताई जी हैं, बिट्टू दीदी, बाकी और सारे लोग हैं। सबको तो हम पहचानते नहीं, बाकी सबको हाय हाय। अरे रचित के सबसे बड़े दोस्त से मिले हैं? नहीं, उधर सबसे बड़ा दोस्त उसका ये। अच्छा हाँ, इसको तो पहचान गए दोस्त। हाय, हेलो, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? है अथर्व। अथर्व, कौन सी कैप लगाओगे आप उसमें से? कैप बताओ, कौन सी कैप लोगे आप? जाके बताओ, अरे उठ के बताओ, कौन सी कैप लगाओगे आप? नहीं, छोटी वाली लेगा। अंशुल बंटी लोग कहाँ है? अभी उनका सिंहासन आ गया। अच्छा, ये आ गए, अंशुल तो आ गए, बाकी लोग कहाँ है? सबकी एंट्री हो रही धीरे धीरे। हाँ महाशय, कैसे हो? तुम तो ऐसे थक गए हो, ऐसे बोल रहे हो। साइकिल से आए हो? हेलीकॉप्टर से आ जाते। बाकी लोग भी एंट्री हो चुकी है। अभी बचे, अभी एंट्री चल रही है। अभी एंट्री चल रही है। कौन बाकी बचा? आओ भैया, आप ही के इंतजार हो रहा है दोनों लोगों का। केक ओपन किया जाए।
मस्त है यार, काटेगा कौन ये तो बता दो, जिसका बर्थडे वो काटेगा। अरे कुछ शेयर कर लेंगे साथ में। अरे कर लेंगे, केक डेकोरेट हो रहा है जैसे कि चाची कर रही है। ये महान भाव अब आए हैं, तो इनका काम क्या है? फोटो खींचना। पाखी तो बर्थडे बॉय बन गई है। रचित फरमाइश पूरी हो गई, मिल गई काजू कतली। शाबाश भैया, को ध्यान रखना। ये लड़का तो दूल्हा बन गया यार। दूल्हन दूल्हन ढूंढो इसके लिए भाई, बहुत लेट नाइट करो। अभी वो जीजा लेगा। अरे तो जीजा तो भाई रहे ना, इसके बाद जो है रचितवा रचितवी की जोड़ी रचित। हाँ हीरो सब बढ़िया। अरे तुम तो भैया दादी घुसे पड़े हो, जरा प्लॉट पे देख लो। ये आंटी है, ये नाई है, लेकिन आंटी कही जाती है। कोई बात दे दो ना उसको। ये रजित की मामी है। मामी लोग तो स्मार्ट होती है। मामी फॉरेन से आई हैं। इसमें आपको क्या ख्याल है फिर, कुछ ज्यादा सोच रहे हो मतलब फॉरेन के बारे में? वाओ ये यार बढ़िया मैजिक है। अरे भाई कितने सारे नोट ले, रजित को न्योता देंगे हम लोग। नौशावर कर रहे हो? कितने कितने का नोट है? नौशावर कर रहे हो? अरे बहुत बड़ा नोट है यार। रजित पूछ लो क्या है सबसे, पूछ लो। अरे बस खोलना बता दो, अभी मत खोलना बस। काश रजित के इतने बड़े में काजू कतली दे दी उसने। हो सकता है ऐसा? हम कुछ नहीं कहेंगे, ब्लॉग इसके घर वाले भी देखेंगे। भैया देखो, देख रहे हैं आप? देखो अच्छा मामा, बहुत बढ़िया फोटो आ रही है। पूरी चटिया पहुंच चुकी है गाइस, देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे केक लग चुका है। दूसरों के ऊपर चश्मा लगा लिया भैया ने, और इनका भूत बनाया जा रहा है गाइस। ईमानदारी से चश्मा उतारते हैं रजित भाई। अरे हम भी आ जाए भैया, देख सकते हैं। अरे खिलाया जा रहा, तो गाइस सामने आ चुके हैं लोग। आइए आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं। इनका मेकअप हो रहा है पाउडर लगा के, गाइस इनका मेकअप हो रहा है पाउडर लगा के। गाइस इनका मेकअप देखिए, तो आप गाइस से क्या कहना चाहते हैं? देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस, ये पूरा इनका हो रहा है मेकअप शेकअप फाउंडेशन। अभी 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 इनको फाउंडेशन लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात गाइस, एक ही चेयर पे दोनों बैठे थे, वो एक चेयर है और कोने में आके बैठे हैं दोनों, अकेले में, अकेले में बैठ के दोनों मजे। कौन सी सीक्रेट बातें हैं ये बता दो। ये बहुआ स्मार्ट लग रहा है, ये मेरा भतीजा है, ये मोहल्ली से आया है। हेलो भैया, भैया इधर हेलो कर दो। ओए बहुआ, हाय। हेलो हेलो, इधर गाइस देख सकते हैं गाइस, मेरी हो चुकी है। बोलिए भैया कैसे लगता है? चाहो तो मैं मत कर क्या हीरो, बाकी लोग खाली हैं पीछे, ये आज दिवाली वाला हाल कर रहे हैं, खाली नहीं देंगे भैया। ये आपके दोस्त हैं? इतने लेट आ रहे हैं? क्या बताएं? कोचिंग गए थे, बता रहे हैं। कोचिंग तो यार एक दिन मिस हो जाती, बर्थडे थोड़ी ना मिस होता है।
अच्छा गिफ्ट मिल गया दोस्त। इतनी भीड़ में क्या कर रहे हैं? तो भीड़ में क्या हुआ, कोई बेइज्जती हुई क्या? क्या है? कौन कह रहा? करण दादा और बंडिया दादा और प्रज्वल बुला के ले जाओ बार उसे। अभी तक डांस हुआ, अब जो है यहाँ गेम शुरू होने जा रहा है। कौन गेम, कौन सा होगा? हाउजी गेम। सबसे पहले 10 नंबर कर जाएंगे कोई भी, वो बोल देगा। और क्या बोलेगा? हैप्पी बर्थडे रचित बोलेगा पूरा। हैप्पी बर्थडे रचित। हैप्पी बर्थडे 8989। अरे स्टार्टिंग करो फिर से। हो गए 4689 दो नंबर बस। 3939 6262। क्या दीदी ऐसे नंबर काय करो जो है ही नहीं हमारे में। छोले हो जाएंगे और धनिया के आलू हो जाएंगे, भटूरे, पापड़, राइस और सलाद है। ये सलाद है तो निकालो फिर शुरू किया जाए। तुम यहाँ छुपके खा रहे हो क्या अकेले? क्योंकि चक्कर में हमको आते भगा दिए। वाह वाह वाह। पार्टी खत्म हो चुकी है और अब हम लोग लास्ट में जो है घर जाने से पहले गिफ्ट जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। इतने सारे गिफ्ट हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी अनबॉक्सिंग करना। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं रचित, आप बर्थडे गिफ्ट शुरू करो करना। पहले खोले के सुधीर भी आएगा। अरे करो ये सबसे पहले गाइस मेरा गिफ्ट खुलने जा रहा है। ये आप देखो खुद क्या है। अरे वाह, ये चॉकलेट टॉफी खाता ही नहीं है। अरे तू अपना जुगाड़ मत लगाओ, उसमें बहुत तरह की टॉफी, तुम टेंशन ना लो। ये देखो गाइस, ये देखो। अरे इतनी सारी टॉफी। चोरी शुरू हो गई। देखो सबसे पहले तो हम दोनों की फोटो है, उसके बाद में हमारी पूरी टीम की है, फिर बर्थडे बॉय, उसके बाद बर्थडे बॉय की फैमिली। गाइस बहुत बढ़िया लगा ये गिफ्ट, मजा ही आ गया। मतलब इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। ये है गाइस अंशु दादा बढ़िया था पाखी और काना का। मुझे पता है इसमें क्या, क्योंकि मैंने पहले देख लिया था। डांटे गाइस, अब देखते हैं इसको कैसी है। ये है फ्रॉम युवराज, यानी कि आपका दोस्त दोस्त का छोटे इसमें पता है, उसने खुद ही बता दिया था। क्या कहा था उसने? टप। ये
मामी का गिफ्ट है। रचित हम इसमें बता सकते हैं क्या इस वाले बॉक्स में? भैया सब लोग गेस करें, लास्ट में हम कर देंगे। बता आपने मम्मी को बोलो। गन 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 मामा बता रहे हैं, मामा बताओ क्या है। बताओ। अरे गाइस चलो खोल, हम बताएं इसमें। इसमें मेरा रहे, आप लाइट जलाओगे तो आपकी फोटो आएगी। आप मुझे हल्के में मत लो, ये समझ लो। सही गेस किया था, फोटो भी लगी तभी मामी मांग रही थी कल रात में। और मुझे आप में आप आप में आप आप में आप में और अगर इसको कर दे तो रचित हैं, रचित हैं। तो गाइस अभी बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी है और बहुत मजा आया, अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले और बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने बर्थडे विश किया, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।